Hello, dear students. So today we discussed our first chapter, that is Introduction to Thermodynamics of subject Basics of Thermodynamics, Hydraulic and Pneumatics. So आज का जो लैक्चर है ये असी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर जरा एक बार सारा ही रिवाइज करांगे। ठीक है, एक थोड़ी लेंथी वीडियो होएगी, ये फर्स्ट चैप्टर आप एक बार कंप्लीट स्टार्टिंग लैके एंड तक रिवाइज करांगे। तुहानू समझाने की कोशिश करांगा वट इज़ थर्मोडायनमिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनमिक्स। सो अगर किसी स्टूडेंट ने जो असी रोज़ के लैक्चर या वीडियो बनाने अगर नहीं देखी तो अगर ये वीडियो एक बार देख लेगा तो वह फर्स्ट चैप्टर जो है फुल कवर हो जाएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ वट इज़ थर्मोडायनमिक्स। सो थर्मोडायनमिक एक ब्रांच आ साइंस की जिहड़ी सानू स्टडी करती है हीट के फ्लो। ठीक है, सो थर्मोडायनमिक वर्ड का मीनिंग हैगा आ दो वर्ड्स के कॉम्बीनेशन तो बनया है, फर्स्ट इज थर्म एंड सैकेंड इज डायनमिक। थर्मो मीनस हीट, डायनमिक मीनस मोशन। सो हीट जो मोशन दे विच हुंदी आ, हीट जो एक प्लेस तो दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर हुंदी आ, सो उसकी स्टडी नू उस ब्रांच नू आपां कहिंदे आ थर्मोडायनमिक्स। सो वट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग, द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनमिक एंड इट्स लॉ टू वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। ठीक है, सो दैट इज थर्मोडायनमिक्स। नाउ द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनमिक सिस्टम इज सिस्टम बाउंड्री एंड सराउंडिंग। सो वट इज सिस्टम, सिस्टम एक इस तरह का स्पेसिफिक डेफिनेट एरिया है जिहदे उपर आपां थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। कोई मटीरियल, कोई इस तरह की प्लेस, जिस प्लेस के उपर जिस मटीरियल के उपर आपां थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं उसनू कहिंदे आ सिस्टम। द डेफिनेट एरिया और ए स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसैस इज टेकिंग प्लेस दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सो रीजन आ, ठीक है, एक सिंपल एक एरिया कह लो, एक रीजन करो जिहदे उपर आपां स्टडी कर रहे हैं दैट इज थर्मोडायनमिक सिस्टम और सिंपल सिस्टम। सो ये जिहड़ा सिस्टम हैगा, सो ये देख सकते हो एक सिस्टम है, एक एरिया, पर्टिकुलर स्पैसीफिक एरिया है जिहदे उपर आपां स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनमिक्स की, यानी कि इस एरिया दे विच आपां हीट दे मोशन नू स्टडी कर रहे हैं कि हीट किस तरह एरिया दे अंदर आ रही है जां जा रही है। So that is system. But is boundary, oh ek imaginary or real ek wall, ek boundary jo system nu surrounding to vak kar rahi hai. For example, aap ek simple life, a normal life di example lende hain, a glass of water. So agar aapan ek pani da glass lende hain, theek hai, ode vich pani fill kar rahe hain, so jehda pani hai oda temperature high hai, so agar aapan us सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं यानी कि उस वाटर की स्टडी कर रहे हैं, सो जो पानी हैगा लिक्विड हैगा दैट इज सिस्टम। सो बाउंड्री की हुई, जो आप ग्लास यूज कर रहे हैं दैट इज बाउंड्री, जो उसनों आले दुआले के इनवायरमेंट तो वक् कर दी गई है। सो सराउंडिंग की आ उस आले दुआले जिन्ना भी इनवायरमेंट है दैट इज सराउंडिंग। सो सिंपल आ सिस्टम की हो गया द वाटर, जिहड़ी बाउंड्री हैगी आ उह एक ग्लास आ, ग्लास दी जिहड़ी बाउंड्री आ, ग्लास स्टील दा हो सकदा, ग्लास दा हो सकदा, ठीक है, एंड सराउंडिंग जो उसके आले दुआले का इनवायरमेंट आ। सो ये तीन बेसिक डेफिनेशन ना एक थर्मोडायनमिक सिस्टम दी। हुण गल आउंदी है कि सिस्टम किन्नी तरह दे हुंदे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। द फर्स्ट टाइप इज क्लोज्ड सिस्टम, सेकेंड इज ओपन सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो वट इज क्लोज सिस्टम, हुण सिस्टम याद रखियो सिस्टम की है जिहदे उपर आपां थर्मोडायनमिक स्टडी करदे पए हां, वो एक स्पैसिफिक एरिया, ठीक है। सो क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जिहदे विच एनर्जी जिहड़ी हैगी आ वो ट्रांसफर हो सकदी आ सिस्टम तो सराउंडिंग दे विच, यानी कि जिहड़ी एनर्जी आ हीट दी फॉर्म दे विच बाउंड्री नू क्रॉस करके सिस्टम तो सराउंडिंग दे विच जा सकदी आ। बट
जिहड़े मास आ वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बट मास नो मास डजंट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। सो इस तरह के सिस्टम नू कहने आपां क्लोज सिस्टम। आ तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल आ, ये एक गैस फिल की हुई है, आ पिस्टन आ, पिस्टन सिलेंडर अरेजमेंट आ। सो गैस का एक टैंपरेचर आ, ठीक है, दिस इज बाउंड्री, जिहड़ा सिलेंडर है वह बाउंड्री आ। हुण गैस के विचों जिहड़ा उहदा मास, यानी कि गैस सराउंडिंग दे विच नहीं जा रही, गैस इस तो क्रॉस करके बाउंड्री नू क्रॉस करके नहीं बाहर जा रही, बट जिहड़ी हीट हैगी गैस की वह बाहर जा रही है। सो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। सैकेंड इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की है, जिहदे विच मास अते एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो सकती है हीट की फॉर्म, मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, सो मास ते वर्क और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जिहदे विच ना ही मास ते ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। लेकिन एक्चुअल लाइफ दे विच इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुंदा, दिस इज एन इमेजिनरी डेफिनेशन। चाहे जिन्ना मर्जी अपना सिक्योर क्लोज सिस्टम कर लिए, कुछ ना कुछ हद तक वो विचों जिहड़ी एनर्जी आ वो ट्रांसफर हो सकती है सराउंडिंग विच। फॉर एग्जाम्पल थर्मस, आपां थर्मस दे विच हॉट वाटर पाया, वो हॉट वाटर की जिहड़ी हीट आ कुछ टाइम तक थर्मस दे अंदर रहेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जिहड़ी हीट आ वो सराउंडिंग नू ट्रांसफर हो जाएगी। सो जिहड़ा थर्मस दे विच जिहड़ा वाटर हैगा उहदा टैंपरेचर घट जाएगा। सो 100% आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं हुंदा। तो सिंपल याद रखना है, तीन तरह के सिस्टम हुंदे ने, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम दे विच मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम दे विच मास ट्रांसफर नहीं हो सकता फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम दे विच नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंड। सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सो व्हाट इज प्रॉपर्टीज? एवरी सिस्टम हैज ए सर्टन करैक्टरिस्टिक्स बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन मे बी डिस्क्राइब्ड, एग्जाम्पल वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। सच करैक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो कोई भी इस तरह का करैक्टरिस्टिक्स जो किसी सिस्टम किसी मटीरियल की फिजिकल कंडीशन नू डिस्क्राइब करता है उन्होंने आप कहते हैं प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ह्यूमन परसन का आप प्रॉपर्टीज देखने हैं, उदों आप फिजिकल कंडीशन किस तरह देखेंगे, वो हाइट, वो वेट, ठीक है, एक परसन का हाइट कि एक परसन का वेट कि है। सो दैट इज़ प्रॉपर्टीज जो एक सिस्टम फिजिकल कंडीशन एक्सप्लेन कर दें, दैट इज वॉल्यूम, टैंपरेचर एंड प्रैशर एक्सैक्ट्रा। सो जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ आ इह दो तरह दियां हुंदियां, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सो व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़? द प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कुछ इस तरह दियां प्रॉपर्टीज़ जो मास दे उपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करदियां, उन्हां नूं आपां कहिंदे आ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो सिस्टम दे मास जिहड़े मटीरियल दी आपां थर्मोडायनेमिक स्टडी करदे पए आ उस मटीरियल दे मास दे उपर डिपेंड नहीं कर दिया, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टैंपरेचर, एक्सेट्रा आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यदि आप एक सिंपल जी एग्जाम्पल लेने, आप एक आयरन का पीस लेने, उन्होंने आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने गर्म करने तो बाद आप दो हिस्सों के डिवाइड कर देंगे, यानी कि उन्होंने तोड़ के दो हिस्से बना देंगे उस पीस से। ठीक है, बट जो टैंपरेचर है यानी कि वह मास हाफ हो गया, उस जो लोहे का पीस है मास अद्धा रह गया, बट द टैंपरेचर ऑफ दैट बोथ पीसिज आर रिमेन कॉन्सटेंट। सो टैंपरेचर जो होएगा वह कॉन्सटेंट रहेगा। सो
टेंपरेचर एक इस तरह की प्रॉपर्टी है जो किसी भी सिस्टम के मास से डिपेंड नहीं करती। सेकंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम। सो इस तरह दी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास से डिपेंड कर दिया है उन्होंने कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का एरिया यूनिट होंगे मीटर क्यूब, यानी कि आप वॉल्यूम किस तरह मेजर कर सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तिना जो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उन्होंने आप कहते हैं वॉल्यूम। सो अगर आप एक पीस लेंगे जेदा सम वॉल्यूम हैगा आपको हाफ करता वो मास न हाफ करता डिवाइड करता सो वह वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज है जड़िया मास के उपर डिपेंड कर दें। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेटमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। सो किसी भी मटीरियल किसी भी सिस्टम की एक पर्टिकुलर टाइम के उपर जो फिजिकल कंडीशन है वो प्रॉपर्टीज की की वैल्यू हैगी है, ठीक है, सिंपल है। एक सिस्टम जिन्हों आप थर्मोडायनमिक स्टडी करते पे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो की प्रॉपर्टीज की वैल्यू हैगी है, की फिजिकल कंडीशन आ वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो आप मेजर करा प्रॉपर्टीज़ में दैट इज स्टेट उन्होंने आप कहे कि यह एक स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल आप एक आयरन का पीस लिया, ठीक है, आयरन के पीस न 100 डिग्री तक हीटअप किया, उस तो बाद इनवायरमेंट के ओपन रखता। सो की होएगा जो आयरन की जी हीट हैगी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी सराउंडिंग दे, यानी कि आयरन का पीस ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर। सो हीट हमेशा हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर वाल जाती है। सो वह पीस ठंडा होना शुरू हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 मिनट बाद टेंपरेचर चैक करते हैं, ठीक है, जो कूल डाउन रखा उस 2 मिनट बाद अगर आप टेंपरेचर चैक करते हैं लैट सपोज वो वैल्यू आती है 80 डिग्री, 80 डिग्री वो वैल्यू आती है टेंपरेचर। सो एक पर्टिकुलर टाइम के उपर आप टेंपरेचर चैक किया प्रॉपर्टी चैक की थी, एक वो वैल्यू आई 80। सो वो होगी तुहाडी स्टेट 1। उस तो बाद फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट्स बाद टेंपरेचर अगेन चैक किया वैल्यू सी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वो होगी वो सैकेंड स्टेट, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर टाइम के उपर जेडे मटीरियल की आप थर्मोडायनमिक स्टडी करते पे हाँ उसकी की प्रॉपर्टीज की वैल्यू आ रही है सिस्टम की दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप पिस्टन सिलेंडर अरेजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियल कंडीशन दे विच जिहड़ी इस गैस फिल की हुई है उसका प्रैशर हैगा P1, उसका वॉल्यूम हैगा V1 एंड टेंपरेचर हैगा T1, ठीक है, लैट सपोज। उस तो बाद आपां इनू हीट प्रोवाइड की इहदा टेंपरेचर इनक्रीज किया, ठीक है। सो टेंपरेचर इनक्रीज किया टेंपरेचर इनक्रीज करना प्रैशर एंड वॉल्यूम आलसो इनक्रीज। सो पिस्टन अपवर्ड पोजिशन के उपर चल गया तो उस प्रॉपर्टीज की जड़िया वैल्यू से वह बन गई P2, V2 एंड T2। सो आ ग्राफ दे विच तुसी देख रहे हैं जो आह कंडीशन सी इस सिस्टम की उन्होंने आप कहता स्टेट 1, तो जो आप हीट प्रोवाइड करके हट गए उस तो बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो गई। सो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप दोबारा प्रॉपर्टीज की वैल्यू न मेजर किया कहनू मेजर किया प्रैशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। सो जो आप मेजर किया सैकेंड स्टेट वो बन गई सैकेंड स्टेट। सो उत्थे प्रॉपर्टीज की वैल्यू की सी V2 एंड P2 एंड टेंपरेचर इज T2। सो इस कहते हैं स्टेट। हूँ आ गया नैक्सट इज प्रोसैस। हूँ प्रोसैस की है डेफिनेशन बाद चो देखियो। जो एक स्टेट तो दूसरी स्टेट के सिस्टम चल गया, ठीक है, आ एक सिस्टम आ जिदे जो सिस्टम वो हैगी गैस, इतने इस एग्जाम्पल जो सिस्टम आ हैगी गैस, इतने लिक्विड भी हो सकता, इतने कोई मटीरियल भी हो सकता।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਨ ਏ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ, ਦੈਨ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਟੇਟਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਪਾਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਬੀ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੈਸ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੀਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਥ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਇੱਕ PV ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਪਾਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਵਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। So next topic, important topic is thermodynamic equilibrium. The thermodynamic equilibrium is said to exist in a system if no change in any microscopic property and system assumed to be isolated from this system. ਆਪਾਂ thermodynamic equilibrium ਉਸ condition ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ system ਦੀਆਂ properties change ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਥਰਮਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ? ਵੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਿਸਟਮ।
या सिंपल आप कह सकते हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग द प्रेशर, सिस्टम एंड सराउंडिंग द प्रेशर सेम होएगा उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह मकैनिकल इक्विलिब्रियम दे विच है, यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर इन मकैनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जदों सिस्टम एंड सराउंडिंग दे विच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई उन्हां दे विच डिफ्यूजन नहीं हो रही, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इस तरह के सिस्टम नूं आपां कहांगे केमिकल इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज सेट टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम दे विद इन यानी कि सिस्टम दे अंदर भी अगर एक सिस्टम दे विच गैस फिल की हुई है, वह गैस दे विच भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, प्लस जिहड़ी गैस आ जां जिहड़ा सिस्टम आ वह सराउंडिंग दे विच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह के सिस्टम नूं आपां कहांगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम दे विच ने बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड थर्ड टाइप, लास्ट टाइप इज थर्मल इक्विलिब्रियम। वैन द सिस्टम इज इन मकैनिकल, सो जो थर्मल इक्विलिब्रियम तुम्हें डेफिनेशन दसन लगा, ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे। पहली कंडीशन हैगी आ कि जो सिस्टम तो सराउंडिंग है वह दोनों मकैनिकल एंड कैमिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन के होने होने चाहिए, यानी कि उन्हों का प्रैशर भी सेम होना चाहिए आ, तो उन्होंने कोई कैमिकल रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग दे। ये हैगी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम करी। उस तो अलावा उन्होंने प्रॉपर्टीज के भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज के भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि वह सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम के ने, एंड उन्होंने टेंपरेचर भी सेम होना चाहिए। आ एक एग्जाम्पल आ थर्मल इक्विलिब्रियम की, फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी का टेंपरेचर हैगा 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। ठीक है, यदा टेंपरेचर हैगा 20 डिग्री। क्लियर, सो एक बॉडी का टेंपरेचर है 100 डिग्री, एक का टेंपरेचर है 20 डिग्री। ठीक है, सो जो आप इन्हों आपस के ज्वाइन करा, यानी कि अलग अलग बॉडीज़ ने, इन्हों अगर जो आप ज्वाइन करा आपस के फिजिकली कॉन्टैक्ट करा इन्हों, ठीक है, सो की होएगा, एक की फिनोमेना हैपन होएगा कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर, सो हीट जी इस साइड में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज़ का टैंपरेचर आ वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने टैंपरेचर सेम हो गया, उन्होंने कोई कैमिकल रिएक्शन भी नहीं रहा, दोनों का प्रैशर भी सेम हो गया, दोनों का टैंपरेचर भी सेम हो गया, सो इस कंडीशन आप कहेंगे कि दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट कंडीशन विल कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसैस एक इस तरह का प्रोसैस है जिन्हों आप स्लो प्रोसैस भी कह सकते हैं, स्लो इक्विलिब्रियम प्रोसैस। ठीक है, वैन ए प्रोसैस इज कैरीड आउट इन सच ए वे दैट एट एवरी इंस्टेंट द सिस्टम डेविएशन फ्रॉम द थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल इज नाउन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसैस। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पिस्टन, ये नीचे गैस आ, गैस का एक प्रैशर आ पी वन एंड वी वन, तो एक टैंपरेचर आ टी वन, वो गैस प्रैशर पा रही है इस पिस्टन के उपर, पिस्टन उपर न पुश कर ट्राई करती पी क्योंकि इस गैस का एक प्रैशर आ। सो मान लो आप इस वेट न एको दम रिमूव कर दें, आप वेट इतों हटा दें तो पिस्टन की होएगा, एक झटके के नाल ही अपवर्ड पोजिशन से चल जाएगा, उपर पोजिशन से चल जाएगा। ठीक है, सो ये सिस्टम मकैनिकल इक्विलिब्रियम दे विच नहीं रहेगा क्योंकि इतने अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई, जिहड़ा वेट आ उन्हें प्रैशर नूं बैलेंस किया होया सी, तो जो आप वेट हटाता सिस्टम ते सराउंडिंग दे विच अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई, सो यह मकैनिकल इक्विलिब्रियम दे विच नहीं रहा। बट जदों आप इस वेट नूं समॉल समॉल क्वांटिटीज़ के डिवाइड करता, फॉर एग्जाम्पल आ वेट सी 10 kg,
बट आपां 1-1 kg दे 10 pieces रखते। हुण जदों आपां ये वेट नू एक एक करके रिमूव करांगे तां पिस्टन की करेगा, पिस्टन बिल्कुल स्लो स्पीड दे नाल हल्का जिहा डेविएट होएगा, हल्का जिहा उपर उठेगा, उस तो बाद फिर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह फिर जो आपां सैकेंड पीस हटावे, आ स्मॉल स्मॉल पीसिस सैकेंड पीस हटावे, पिस्टन हल्का जिहा डेविएट होएगा, हल्का जिहा उपर उठेगा, उस तो बाद फिर स्टेबल हो जाएगा। सो इस तरह करते करते जो असं सारे पीस हटा दे, पिस्टन अपनी अपवर्ड पोजिशन के उपर पहुँच जाएगा, बट ओदा जिहड़ा पाथ फॉलो किया उन्हें नीचे वाली पोजिशन तो उपर पोजिशन जाने लई, जिहड़ा उन्हें पाथ फॉलो किया वह जिहड़ा थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम का पाथ सीगा, वह तो हल्का जिहा डेविएट होएगा, ज़्यादा डेविएट नहीं होएगा, हल्का जिहा फर्क होएगा। सो इस तरह के प्रोसैस को कहते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसैस, आप डायग्राम तो समझते हैं। सो देखो इतों आप 1 किलो रिमूव किया, 2 किलो रिमूव किया, जो इतने रिमूव किया वो पाथ तो थोड़ा जहा हटिया, जो प्रोसैस से पाथ तो थोड़ा जहा हट गया, उस तो बाद हौली हौली ओरिजिनल पाथ के उपर वापस आ गया। जो कोई प्रोसैस जो ओरिजिनल थर्मोडायनमिक पाथ हैगा, रास्ता हैगा, उस तो हल्का जहा डिविएट हो जाए, उसको कहते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसैस। सो नैक्सट टॉपिक इज वट इज पाथ फंक्शन एंड वट इज पॉइंट फंक्शन। पाथ एंड पॉइंट, ठीक है, दिस इज पाथ, ए एंड बी आर पाथ एंड 1 and 2 इज पॉइंट, ठीक है। सो वट इज पाथ फंक्शन, देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोन डूरिंग ए प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेट्स, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। सो पाथ फंक्शन का सिंपल की मीनिंग आ, अगर असी एक प्लेस तो दूसरी प्लेस तक जाना होइए, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक पर जा रहे हैं, तो वह आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रास्ते पर जा सकते हैं। मान लो किसी रास्ते सानू 5 किलोमीटर पै रहा, किसी पर 10 किलोमीटर पै रहा, असी पहुँचना फस्ट पॉइंट तो सैकेंड पॉइंट तक ही है। मान लो किसी स्टूडेंट ने घर तो कॉलेज ही आना है, लेकिन उन्होंने कई रास्ते पेंदे आ जिन्हों का डिस्टेंस वक् वक् आ, ठीक है। सो पाथ फंक्शंस ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो तो स्टेट चेंज होंगी और डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। सो उन्हों का स्टेट के उपर डिपेंड नहीं करता, वो प्रॉपर्टीज़ ने किहड़ा पाथ फॉलो किया, जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ इस तरह के पाथ के उपर डिपेंड कर दिया, उन्होंने कहते हैं पाथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हीट एंड वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए पाथ अगर उन्हें फॉलो किया वर्क ने, तो उन्होंने 10 किलो जाउल वर्क करना पाया, बट उन्हें अगर बी पाथ फॉलो किया तो उन्होंने 7 किलो जाउल वर्क करना पाया, स्टेट सेम रही, पहुंचे वह इको पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट फंक्शन की होंगे जो सिर्फ स्टेट के उपर डिपेंड करते हैं, जिन्हों का रास्ते दे नाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं पॉइंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, हुण इहदे विच इहदा वॉल्यूम सीगा 0, V1 सीगा 0, V2 सीगा 3। हुण रास्ता जिहड़ा मर्जी फॉलो होया, लेकिन जो आप वॉल्यूम कढ़ांगे V2 माइनस V1 दोनों का आंसर आएगा 3 m³। सो ये सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करदियां सी, पाथ के उपर नहीं डिपेंड करदियां पॉइंट फंक्शन। यही एग्जाम्पल हैगी वॉल्यूम। सो नैक्सट हैगियां तुहाडियां कुछ डेफिनेशनस, सिंपल डेफिनेशन आ वट इज़ वर्क। Work is defined as product of force and distance moved in the direction of force. Simple definition F into distance moved. F the unit hunde ya Newton, force the unit hunde ya Newton and distance the unit hunde ya meter. Aur apan inu keh sakde ha joule. But in thermodynamics, work is defined as the energy transferred without transfer of mass across the boundary of the system. Theek hai? So energy transfer without transfer of mass in thermodynamics is called work. Second definition is heat. So what is heat? The heat is defined as energy transferred without transfer of mass across the boundary of a system because of temperature difference. ठीक है, सो तुसीं देखिया कि हीट एंड वर्क दोनों दियां जिहड़ियां डेफिनेशनज आ वो ऑलमोस्ट सेम आ, ठीक है। सो फिर डिफरेंस की है, डिफरेंस हैगा आ कुछ इस तरह, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टड इन टू वर्क। जिहड़ी हीट आ अगर आपां उहनूं वर्क च कन्वर्ट करन दी कोशिश करिए तो 100% कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। बट अगर वर्क दे नाल आपां वर्क नूं आपां कन्वर्ट करन दी कोशिश करिए हीट दे विच, तां उह ईजीली कन्वर्ट हो जाती है।
सेकंड डिफरेंस की है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए टैंपरेचर डिफरेंस होना जरूरी है, बट वर्क ट्रांसफर होने के लिए टैंपरेचर डिफरेंस होना नहीं जरूरी। ठीक है, सो अगर आप थर्ड एक मेन डिफरेंस की है कि अगर आप एक पानी का गिलास लै रहे हैं उन्होंने गर्म करना है, ठीक है, सो अगर आप गर्म कर रहे हैं तो आप जो हीट लवेंगे पॉजिटिव, तो उही अगर पानी का गिलास जो आप गर्म कर लिया उन्होंने नॉर्मल टैंपरेचर पर रखता वो हीट सराउंडिंग वाल जान लग पेगी उन्होंने आप कहे नैगेटिव हीट। ठीक है, बट वर्क दे आप हूँ उस पानी के गिलास में अगर गर्म किया हीट आई पॉजिटिव, हीट की वैल्यू होएगी पॉजिटिव, बट जिहड़ा साडा वर्क लगा आप गैस चलाई साडा कुछ वर्क होया उत्थे उन्हों गर्म करन दे लई वह वर्क होएगा नैगेटिव। तो जदों आप पानी के गिलास नूं नॉर्मल टैंपरेचर पर रखिया उहदे विचों हीट बाहर जाना शुरू हुई हीट की वैल्यू हुई नैगेटिव, बट जिहड़ा वर्क उत्थे होया वर्क की वैल्यू हुई पॉजिटिव। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल सारे ने रेडी कर लेना है। सो नैक्सट इज़ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट किस तरह ट्रांसफर होंगी है सिर्फ तीन तरीके आ, कंडक्शन जदों दो बॉडीज़ के डायरैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होनू कहें कंडक्शन, कन्वैक्शन की हों जदों दो बॉडीज़ के थोड़ा गैप हो जी हीट ट्रांसफर हो रही है वह गैस और लिक्विड के थ्रू हो उसनू कहें कन्वैक्शन। एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। रेडिएशन होंगी है जो हीट इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की फॉर्म के एक प्लेस तो दूसरी प्लेस के जाती है, दैट इज़ रेडिएशन। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है रेडिएशन की, सन तो जी एनर्जी आ रही अर्थ के उपर रास्ते वैक्यूम आ, कोई हवा कोई लिक्विड नहीं है लेकिन तो भी हीट अर्थ तक पहुँच रही है, सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन बिकॉज हीट जी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की फॉर्म के अर्थ के उपर आती है। So next definition is energy. The energy is defined as capacity to work, do work. Kinni capacity hai apne vich kam karan di, that is called energy. So do tarah di hundi hai, stored energy and transit energy. Theek hai, jo energy system de vich stored hegi hai, theek hai, ohnu kehnde hai stored energy jehdi boundary cross nahi kardi. Ede example hegi hai potential energy, kinetic energy and internal energy. ट्रांजिट एनर्जी की है जदों वो एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री नू क्रॉस करके सराउंडिंग वाल जान लग पे उन्हों कहिंदे आ ट्रांजिट एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन हीट वर्क एंड इलैक्ट्रिकल एनर्जी। सो वट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी और सिस्टम फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। सो वट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आप एक डैम की गल करते हैं, ठीक है, डैम एक वॉल आ, ठीक है, वो बैक साइड पर बहुत सारा पानी इकट्ठा किया हुआ है, वो पानी दे विच की हैगी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो बहुत हाई कपैसिटी आ वर्क करन दी लेकिन वो वर्क करता नहीं पिया। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों आ पोटेंशियल एनर्जी, वो हाइट करके, क्योंकि डैम की हाइट बहुत ज़्यादा है, वो पिछे काफ़ी पानी स्टोर होया, कई किलोमीटर तक पानी इकट्ठा होया हुंदा, सो प्रैशर जिहड़ा आ वो पोटेंशियल एनर्जी है पानी दे विच उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी आ। फॉर एग्जाम्पल आप डैम के गेट्स ओपन कर देंगे, सो जी पोटेंशियल एनर्जी है कादे विच कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी दे विच, क्यों, क्योंकि वो दे विच हुण मोशन आ गया। ठीक है, वो जी पोटेंशियल एनर्जी सी जदों उन्हें एक स्पीड मिल गई, काम करन दी एक राह मिल गया, स्पीड मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, सो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यस, सो नैक्सट डेफिनेशन इज प्रेशर। What is pressure? Pressure is defined as the normal force exerted by a system against unit area of the surface. So, ek particular area upar apa kinni force laga rahe hain, that is pressure. So, the unit of pressure is Newton per meter square or 1 bar. 1 bar is equal to 1 into 10 raised to the power 5. So, ek aisa unit hai pressure de Newton per meter square aur assi keh sakde hain 1 bar. सो तीन तरह का होंगे है प्रैशर, एटमोसफेयरिक प्रैशर, एबसल्यूट प्रैशर एंड गेज प्रैशर। सो वट इज़ एटमोसफेयरिक प्रैशर। एटमोसफेयरिक प्रैशर होंगे है जो अर्थ की सरफेस के उपर साडा इनवायरमेंट अर्थ की सरफेस के उपर एक पर्टिकुलर एरिया के उपर प्रैशर पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साढ़े उपर गैसिज है, ठीक है, वेपरस है, वो सारे अर्थ की सरफेस से प्रैशर पा रहे हैं,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 bar. ਵਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਪਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਬਸਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਐਂਡ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਾਇਰਸ ਦਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਲ ਕਾਲਡ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 1 bar. ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਇਹ ਹੈਗੀ ਲਾਈਨ ਐਬਸਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਬਸਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਕਿਊਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ, ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ ਔਰ ਅ ਸਿਸਟਮ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ. ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਮ ਸੀ ਵੀ T2 ਮਾਈਨਸ T1, ਵੇਅਰ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ. ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਥੈਲਪੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ. ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਯੂ ਪਲੱਸ ਪੀਵੀ. ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਿਸਟਮ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਆ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਫੋਰ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ. ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਆ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ A4 ਸਾਈਜ਼ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਵੇ. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ 7th of September. 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ. ਸਬਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ PDF ਪੇਜਿਸ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ. ਅਗਰ ਲੀਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ. ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 7 or 8 ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ 7th of September ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ.